जी देखिए, पॉपकॉर्न बना हुआ है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल आसानी से हम अपने घर में बना सकते हैं। मैं उसी से ही ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आओ देखते हैं तो कैसे बनाते हैं ये। आज मैं बनाऊंगा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने मक्की के दाने लिए हैं, ज्यादा नहीं लिया, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह बर्तन में बनाना है ना, क्योंकि इसको उसी के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो मैं आज एक छोटे, बिल्कुल छोटे बर्तन में बना रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से बिल्कुल थोड़े से मैंने दाने लिए हैं, सादा नमक लिया है मैंने और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है मैंने। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रख लिया है, तो उसमें पहले सबसे ऑयल डालूंगा। ऑयल उसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया है, ताकि ये जो मक्की के दाने हैं थोड़े उसमें ऑयल में आ जाने चाहिए। थोड़ी देर इसको गर्म करता हूँ ऑयल को। जो ऑयल है अभी वो गर्म हो गया है, जो मक्की के दाने थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी देर इनको पकाऊंगा। और जो मैंने नमक और हल्दी लिया है वो भी अभी डाल दूंगा। अभी थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा दूंगा। पक गए हैं पूरे। अभी गैस का फ्लेम भी अभी बंद कर दूंगा, थोड़े से बाकी हैं। ये पूरे पक गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। हल्दी डालने से थोड़ा सा उसका हल्दी का भी कलर आ गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं पॉपकॉर्न। तो आप भी अपने घर में ऐसे बाजार से लाने से अच्छा है कि घर में बनाएं, ट्राई करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी जरूर दबा देना, ताकि मैं अगे तो और जो भी वीडियो बनावा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।